Welcome, students, to my class. A very beautiful evening to all of you. Now, this one is the exercise 3.2 of ML Agrawal, and I'll go fully through this. So, no need to take tension. I will do and drop each and everything very clear to you. आपको मैं सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझाऊंगा एंड यू कैन अंडरस्टूड दीज थिंग्स वेरी क्लियरली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होती है? जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वो लाइन जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं. लेकिन अगर नंबर फ्रैक्शन हो गए, देयर इज अ क्रिएटिंग प्रॉब्लम. आई शुड नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली इफ यू डोंट नो देन इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if 3/8 is there, what you have to see, you have to see the denominator. See the denominator. If it is bigger, definitely it's come between 0 and 1. Damn sure. It comes between 0 and 1, like 0 and 1. Why? Because upside numerator is smaller. And if upside the numerator is bigger, then you have to divide and make it into the mixed fraction. That is a simple thing. So first of all, आपको क्या करना क्या है, 3/8 को आपको कैसे रखना है? जाहिर सी बात है, ये 0 और 1 के बीच में आएगा. So what you have to do, you have to make a line. First of all, you have to make a, यहाँ पे आपको रखना है 0 और यहाँ पे आपको रखना है 1. सो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं. अभी हमको कितने पार्ट्स करते हैं? सीधा डिनोमिनेटर, मैंने सबसे पहले कहा था डिनोमिनेटर देखो 8 पार्ट्स करने हैं. ओके, हम 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट्स करते हैं. 1, 2, 3, 4, आफ्टर दिस 5, 6, 7 एंड 8, दिस वन एंड दिस वन. अब ये 1 जो है, ये जाहिर सी बात है 1 तभी आएगा जब 8/8 होगा, और 8 से 8 कट जाएगा तो 1 आएगा, और ये 0/8. अब 0/8 के बीच में हमको सब चीज़ें प्लेस करनी है. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8. हमको जाना कहाँ है? 3/8. सो 1, 2 एंड 3. सो दिस पॉइंट इज 3/8. सिंपल थिंग. लेट्स कम टू दिस पॉइंट. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है माइनस की, नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन विल शो कि हमको 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा. इट विल कम बिटवीन -1 एंड 0. सो लेट्स सी, हमको एक नंबर लाइन बनानी है. यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ पे -1 रखना है. पता कैसे चलेगा? द मेन क्वेश्चन यू का कमिंग. आपको पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि -3/4, यहाँ पर जो लिखा हुआ है -3/4, इसमें नीचे का डिनोमिनेटर बिगर होना चाहिए. बिगर हो गया, सिंपल सी थिंग, आपका काम हो गया. अब 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो हम 4 पार्ट्स करने हैं. 1, 2, 3 एंड दिस वन इज़ द 4. डेफिनेटली इट्स 4. क्या -4/4 आएगा? जब 4 से 4 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा. ये 0/4 होगा, ये -1/4 होगा, ये -2/4 होगा, ये -3/4 होगा. सिंपल, -1 आ गया. हमको कहाँ जाना था? -3/4. ईजिली हम लोग पहुँच गए. नाउ लेट्स सी हियर ऑल्सो. अब यहाँ पे भी 8 बड़ा है, माइनस का साइन है, -1, और हमको किधर जाना है? 0 से -1. तो हमको कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? सीधा डिनोमिनेटर हमको 8 पार्ट करने पड़ेंगे. 8 पार्ट का मतलब 0 से स्टार्ट करना है. कहाँ पे जाना है? -1 में जाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. और हमको डायरेक्टली कहाँ जाना है? 7/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो दिस वन इज पॉइंट इज कॉल्ड एज -7/8. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा हो गया, अब क्या होगा? तो बड़ा हो गया तो क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको इसको मिक्स में बनाना है. तो 8 2 16, माइनस नेगेटिव साइन है, 8 2 16 एंड 1 कैरी रिमाइंडर 1/8. ये हो गया मिक्स. 8 से डिवाइड कर दो. डिवाइड किया तो सबसे पहले ऑप्शन आपको देखना है कि -2 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. अब -2 के बाद हमको फर्स्ट पार्ट पे जाना है. तो -2
कंप्लीट हो चुका है तो जाहिर सी बात है माइनस टू से स्टार्ट होगा और हम जा किधर रहे होंगे, माइनस थ्री की तरफ जा रहे होंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें ज़ीरो आप यहाँ रखो, माइनस वन यहाँ रखो, माइनस टू आप यहाँ रखो और माइनस थ्री को आप यहाँ रख दो, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है। अब माइनस टू से आपको कितने पार्ट्स करने हैं, एट, क्योंकि टू ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हो। अब एट पार्ट्स करने हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और हमको जाना किस पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे। तो ये आपका पॉइंट हो गया माइनस सेवनटीन बाई एट। इज दैट क्लियर? क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से देखिएगा, पॉज करके वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। सेम थिंग हैपेंस हियर, हमको बताना है कौन कौन सा पॉइंट है। चलो मैं बताता हूँ। अभी ये तो आपको टू दिख ही रहा है, ये तो आपको टू दिख रहा है, तो आप टू बाई वन लिख सकते हो। ये आपको थ्री दिख रहा है, आप थ्री बाई वन लिख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी टू कम्प्लीट हो गया, अब टू कम्प्लीट हो गया तो पी तुम्हारा क्या है, पी तुम्हारा है कितने पार्ट्स किया, वन टू थ्री पार्ट्स किया, तो पी तुम्हारा हो गया टू होल वन बाई थ्री, यानी कि वन बाई थ्री। तो ये तुम्हारा पार्ट जो होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे टू होल वन बाई थ्री, जिसको हम लोग लिखते हैं थ्री टू जा सिक्स, वन सेवन बाई थ्री, दिस वन इज द सेवन बाई थ्री। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट भाई ये वन बाई थ्री है, तो ये टू बाई थ्री होगा, ये थ्री बाई थ्री होगा, सही है, सही है, सही है। सो दिस वन इज टू बाई थ्री, सो टू बाई थ्री हो गया। अब ये टू बाई थ्री नीचे आया, टू ऑलरेडी कंप्लीट था, टू होल टू बाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स वन सेवन, थ्री टू जा सिक्स सेवन एट, एट बाई थ्री इज द क्यू पोर्शन। अब यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, ये क्या है, ये है माइनस वन बाई वन, आप लिख सकते हो। ये क्या है, इट इज़ माइनस टू बाई वन, ईजिली लिख सकते हो। अब ये क्या है, अब ये है क्या, वन कम्प्लीट हो चुका, ये है फर्स्ट पार्ट यानी कि वन बाई थ्री, और ये है टू बाई थ्री, यानी कि माइनस वन बाई थ्री भी लिख सकते हो, वन बाई थ्री भी लिख सकते हो, और ये माइनस टू बाई थ्री, ये माइनस थ्री बाई थ्री, सिंपल। तो तुम्हारा जो ये आर है, ये कितना हुआ, माइनस वन होल वन बाई थ्री, तो थ्री वन जा थ्री वन फोर, माइनस फोर बाई थ्री इज आर। एंड दिस एस, एस हम माइनस टू बाई थ्री, क्योंकि ऑलरेडी माइनस वन कम्प्लीट हो चुका है, तो माइनस वन कम्प्लीट हो चुका है, तो माइनस वन को हम यहाँ रखेंगे, माइनस वन होल टू बाई थ्री, थ्री वन जै थ्री फोर फाइव, माइनस फाइव बाई थ्री इज द आंसर। सिंपल सिंपल ट्रिक है। अब आप इसको ध्यान से देखो और ध्यान से आपको इस सीरीज समझ में आएगी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ऑलरेडी गिवेन है कि हम लोगों की डिस्टेंस बराबर है। अब भाई सीधी सी बात देखो, द रेशनल नंबर माइनस थर्टीन अपॉन माइनस फाइव लाइज राइट ऑफ द नंबर ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। तो भाई देखो, ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। अब ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव है ना, अब राइट साइड पे है तो बिल्कुल ट्रू है, कोई कुछ नहीं कह सकता। रेशनल नंबर माइनस फाइव बाई सेवन, दोनों को कट कर दो, एंड सेवन अपॉन माइनस नाइन लाई अपोजिट, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अपोजिट, इसको माइनस वन और माइनस वन से कर देंगे तो यहाँ माइनस ऊपर आ जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस साइन फाइव प्लस साइन के अपोजिट होता है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन ये भी माइनस और ये दोनों अपोजिट बोल रहे हैं, दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि दोनों एक ही तरफ होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एज यू हैव अंडरस्टैंड। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर। अब यार माइनस फोर अपॉन सेवन, माइनस फोर अपॉन सेवन और ज़ीरो, माइनस का साइन है तो डेफिनेटली ज़ीरो ही ग्रेटर होगा, क्योंकि यही तो नंबर लाइन में पहले आएगा, ज़ीरो आएगा फिर उसके बाद माइनस फोर अपॉन सेवन आएगा, सब माइनस के तो इसके बाद ही आते हैं ना। अगर यहाँ पे देखें तो माइनस फाइव अपॉन नाइन है, और यहाँ पे देखें तो थ्री अपॉन सेवन है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव का रिएक्शन बड़ा ही होगा। इसमें इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं तो पॉजिटिव हो गया, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हो जाएगा। और अब अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ तो ये माइनस के नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाते हैं, और नेगेटिव साइन ख़त्म होने से जाहिर सी बात है ये बड़ा हो जाएगा। तो दिस वन इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर, ग्रेटर एंड दिस वन इज़ ग्रेटर। क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
माइनस फोर अपॉन फाइव या माइनस फाइव अपॉन सेवन, करने की कोई ज़रूरत नहीं डरने की। आप सिंपल सिंपल क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फाइव फाइव ज़ा माइनस ट्वेंटी फाइव, सेवन फोर ज़ा माइनस ट्वेंटी एट, कौन सा बड़ा है माइनस ट्वेंटी फाइव की माइनस ट्वेंटी एट, माइनस ट्वेंटी फाइव। एट फोर ज़ा माइनस थर्टी टू, सेवन फाइव ज़ा माइनस थर्टी फाइव, कौन सा बड़ा है माइनस थर्टी टू। इसको कट करो, इसको कट करो, सिक्स सेवन ज़ा सिक्स एट ज़ा, अब माइनस सेवन अपॉन एट ये भी आ गया, माइनस सेवन अपॉन एट ये भी आ गया, तो दोनों इक्वल हैं। वन अपॉन माइनस थ्री, फोर वन ज़ा फोर, बट नियर माइनस इज देयर सो इट इज़ माइनस फोर। थ्री वन ज़ा थ्री, सो हियर इज़ ऑल्सो माइनस थ्री, तो कौन सा पड़ा है माइनस थ्री। हियर माइनस थ्री बाई एट, सेवन थ्री ज़ा माइनस ट्वेंटी वन, एंड एट टू ज़ा माइनस सिक्सटीन, कौन सा पड़ा है माइनस सिक्सटीन। फोर टू ज़ा माइनस एट, थ्री थ्री ज़ा माइनस नाइन, कौन सा पड़ा ये वाला। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, दैट इज़ द गुड थिंग। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स। हियर इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, माइनस थ्री अपॉन सेवन, माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री बाई फोर। सो द ईजीएस्ट वे इज दिस वन, लिसन इज दैट थिंग। अगर ऊपर वाली चीज़ें सेम दिख रही हैं और नीचे वाली डिफरेंट है, देखो नीचे वाली अगर सेम है तो हम ऊपर वाली बता सकते हैं, जो छोटी होगी वो बड़ी। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज़ सेम टाइप की हैं, न्यूमरेटर सेम है, तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आता है, सेकंड पोजीशन पे ये आता है, और थर्ड पोजीशन पे ये आता है। तो हम लिखेंगे, आपको जैसे लिखना होगा ना तो इस हिसाब से लिखना होगा, माइनस थ्री अपॉन सेवन स्मॉलर देन माइनस थ्री बाई फोर स्मॉलर देन माइनस थ्री बाई टू। बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। अभी इन सब का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर देखो, इसे एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बड़ा नंबर देखो, इसका डबल करो, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 16 की टेबल में तो नहीं आएगा। 48, इसका डबल क्या होता है 48। लेट्स सी अबाउट 48। अब 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 48 को, तो कितने टाइम्स जाता है, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 12 टाइम्स। तो अगर ये 12 टाइम्स जाता है तो 3 भी 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 12 थ्री ज़ा माइनस 36। अब ये जो माइनस 12 है, इसको माइनस 12 न मान के माइनस 5 मानो, ज़्यादा अच्छा। यू हैव टू इमेजिन इट इज माइनस 5, बिकॉज मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे तो ऊपर माइनस पहुँच जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। सो 12 फोर ज़ा 48, सो 12 फोर ज़ा 48, 5 फोर ज़ा माइनस 20। हियर ऑल्सो दिस माइनस यू कैन कैरी ऑन हियर, 24 टू ज़ा 9 टू ज़ा 18, एंड 16 थ्री ज़ा, सो 7 थ्री ज़ा 21। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका आएगा तो वो होगा आपका सबसे छोटा 1, ये सेकेंड नंबर में ये आएगा, थर्ड नंबर में ये आएगा, एंड फोर्थ नंबर में ये आएगा। तो सबसे पहले माइनस 21, तो माइनस 21 की जगह पर कौन था, माइनस 7 अपॉन 16। इसके बाद सॉरी नॉट माइनस 17, सबसे पहले सबसे छोटा ये है ना माइनस 18, तो सबसे पहले आएगा माइनस 9 अपॉन 24, या फिर 9 अपॉन 24 नहीं, जो दिया वही लिखो, 9 अपॉन माइनस 24। इसके बाद इससे बड़ा माइनस 21 वाला, तो वो है पोर्शन ये माइनस 7 अपॉन 16। उससे बड़ा आपका आता है, वेट अ सेकेंड, वन मिस्टेक इज देयर, हियर इट इज़ माइनस 5 अपॉन 12 आएगा, क्योंकि सेकेंड नंबर पे 20 है, 5 अपॉन 12। यहाँ पर आएगा माइनस, ओ सॉरी, 9 अपॉन माइनस 24, एंड आफ्टर दैट इट विल कम माइनस 3 बाई 4। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे, इस तरह आप अरेंज कर सकते हो। नाइन डिसेंडिंग ऑर्डर, हियर ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 10, 20,
सबसे बड़ा 30 है, 60 ले लो. व्हेन वी टेक 60, 10 सिक्स जा, 15 फोर जा, 23 जा, 32 जा, 10 सिक्स जा तो 6 थ्री जा 18, 23 जा, 11 थ्री जा 33, 15 फोर जा, 7 फोर जा 28, एंड 32 जा, 3 टू जा 34. दिस वन इज ग्रेटर, सो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे. इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आएगा -18, यानी कि सेकेंड. थर्ड नंबर लिया किसने? -28 ने. और फोर्थ नंबर इसने लिया, तो सिंपली 17. ओ वेट अ सेकेंड, इट इज़ माइनस ना, सो इट इज़ माइनस हियर. सो अब आपका समथिंग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया. जो सबसे बड़ा है वो -18 है. दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, दिस वन इज़ द सेकेंड वन, नाउ दिस वन इज़ द थर्ड वन, एंड दिस वन इज़ फोर्थ. सो लेट्स सी, वी हैव टू राइट आउट 17 अपॉन -30. नॉट 17, बिकॉज इट इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर. सो वी हैव टू टेक द bigger one at the first. So bigger one is, first of all let's see it here, that bigger one is, so students this one is number one, this number one is number two, this one is number three, and this number is four. So number one, this is the first one, is smaller than number two is I think this one, this one is number third, and this one is fourth. सो यू हैव टू डू दिस थिंग इन द सेम वे. यहाँ पर 30 आता है, लेट सी, यहाँ पर 30 आता है. सबसे पहले सबको माइनस को अरेंज करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो. -7/10, -11/15, -2/5, -19/30. चलो अब इसका लेते हैं एलसीएम 30. 10 थ्री जा, 7 थ्री जा 21, अगर 10 थ्री जा तो 7 थ्री जा 15 टू ज़ा, सो 11 टू ज़ा -22, 5 सिक्स ज़ा तो -2 सिक्स ज़ा -12, एंड 30 वन ज़ा सो -19. यू ऑलरेडी पुट इट हियर. अब यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो है -12, सो -12 है तो आप रख सकते हो. दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, आफ्टर दैट सेकेंड वन, then third one, and this one is fourth, simply. So this is the good way. In the decimal, आपको क्या करना है, 3 को थोड़ी देर के लिए लीव कर दो, 5/8 को लेकर चलो. अब 8 से हमको 5 को डिवाइड करना है. आपने डेसिमल स्टार्ट किया, आपने ज़ीरो लगाया, 8 सिक्स 48 आएगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर, फिर ज़ीरो लगाया, 8 टू ज़ा 16 आया, 4 ज़ीरो लगाया, 8 फाइव ज़ा 40. अब 0.625 है, 3 को यहाँ पर रखो, पॉइंट लगा कर 625 लिख दो. दिस इज़ द आंसर, सिंपल आंसर इज़ दैट. 125, 21, ठीक, 125 एंड 21. अब सोचने वाली बात ये है कि आप इसको कैसे डिवाइड करोगे. सिंपली आपको ऐसे डिवाइड करना, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो. आप 125 को ध्यान से देखो, 125 की टेबल में 1000 कैसे आता है, सोचो ज़रा, 1000 कैसे आता है. 125 टू ज़ा 250, और 250 का डबल होता है 500, मतलब 125 फोर ज़ा 500. अगर फोर ज़ा 500 है तो 8 ज़ा 1000 होगा, और यहाँ पर भी 8 ज़ा. अब 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 168 अपॉन 1000. 1000 में पॉइंट लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -0.168, 30 3 डिजिट के पहले डेसिमल. यहाँ पे 3/32, -7/11/80. सो लाइक दिस यू ऑल्सो हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, यू हैव टू डिवाइड इट एंड गो एंड कंप्लीट इट. थैंक यू फॉर कमिंग. लाइक, शेयर, subscribe. Okay, thank you.